एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेस्ट। आज हम बना रहे हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने वाला डिज़र्ट, फ्रूट कस्टर्ड। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। मैंने दो मीडियम साइज़ के सेब लिए हैं, इसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। दो हमने अनार लिए हैं, इसे भी छील के वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ एक कटोरी दूध लिया है, 5 टेबलस्पून हमने चीनी ली है, 2 टेबलस्पून हमने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है, साथ ही मैंने 3 टेबलस्पून फ्रूट कस्टर्ड पाउडर लिया है, और 2 स्लाइसेस हमने पपैये के लिए हैं, इसे भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 लीटर हमने दूध लिया है, इसे हमने बॉयल होने के लिए गैस पर रख दिया था। अब मैंने 1 लीटर दूध में से 1 कटोरी दूध निकाल लिया था, इसमें हम फ्रूट कस्टर्ड मिलाएंगे। 3 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है, इसे अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। ध्यान रखिए आप कि दूध बिल्कुल भी गर्म ना हो, ना ज़्यादा ठंडा हो। रूम टेम्परेचर के हिसाब से हमें दूध लेना है। इसे हमें चलाते रहना है अच्छे तरीके से ताकि कस्टर्ड में कोई भी लम्स ना रहे। 1 लीटर मैंने दूध लिया था, उसी में से मैंने 1 कटोरी दूध निकाल लिया था। देखिए दूध अच्छे तरीके से बॉईल हो चुका है, हमें दूध को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। 2 मिनट मैंने दूध को बॉईल किया था। अब हमें इसमें डालना है कस्टर्ड, थोड़ा थोड़ा हमें कस्टर्ड डालना है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करते रहना है। साथ ही बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें कस्टर्ड बनाना है, लगातार हम इसे चलाते रहेंगे। 5 मिनट हमें इसी तरीके से इसे चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। मैंने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कस्टर्ड लिया है, आप चाहें तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। जिस तरीके से आपको फ्रूट कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना लीजिए। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून चीनी लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी अच्छे तरीके से घुल चुकी है, दूध में भी अच्छे तरीके से खौल आ चुका है। हमें इसे 5 मिनट और पकाना है ताकि अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाए। देखिए हमने अच्छे तरीके से इसे पका लिया है, 7 से 8 मिनट रूम टेम्परेचर पे मैंने इसे ठंडा कर लिया था। अब हमें इसमें डालना है अमूल की फ्रेश क्रीम, मैंने 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है, आप चाहे तो दूध की मलाई भी ले सकते हैं। इसे हमें अच्छे तरीके से चला लेना है। अच्छे तरीके से हम इसे चला लेंगे, मलाई डालने से फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा चिकना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। अच्छे तरीके से हम इसे चला लेना है। देखिए बहुत ही अच्छा फ्रूट कस्टर्ड रेडी हुआ है। अब हमें इसमें फ्रूट डालना है। 2 मैंने एप्पल लिया था, इसे बारीक बारीक कट कर लिया है, साथ ही मैंने 2 अनार लिया था, इसे भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। 2 स्लाइसेस मैंने पपैये के लिए है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से जैसे आपको पसंद है जो फ्रूट्स आप वो फ्रूट्स डालें। इसे मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसे हमें 2 घंटे फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छे तरीके से सेट हो जाए। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छा रेडी हो चुका है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आया है इसका। आप भी अपने घर में फ्रूट कस्टर्ड बनाएं। फ्रूट कस्टर्ड बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद रहता है, आप भी बनाइए। बहुत ही इजी मेथड से मैंने आपको फ्रूट कस्टर्ड बनाना सिखाया है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें। आप भी इस तरीके का फ्रूट कस्टर्ड बनाएं और इन्जॉय करें। फ्रूट कस्टर्ड बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। थैंक्स फॉर